गलत हैगा। केंद्र सरकार दी लॉन्च की हुई स्कीम दे विच तुहाडे मंत्री मारन ठगियां करोड़ां रुपया जान खा ते तुसीं कहो असीं अपनी स्कीम लॉन्च करांगे। असीं मंग करदे हां कि जदों तो ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्ट हुई है वाइट पेपर जारी करो, अकालियां दे किहड़े मंत्री किहड़े नेता ने ते कांग्रेस दे किहड़े मंत्री ते किहड़े नेता। शर्म नहीं आती अकालिया मूह तुरे फिरते। एक पास इन्हों की भैन केंद्रीय मंत्री मंडल के ऑर्डिनेंस साइन करके आँदी कल बगले भगत बने फिरते। दस साल इस स्कीम का सत्यानाश सर्व सत्यानाश करते रहे ते अज इन्हां नूं धर्म सोच चेते आउंदा। ये जो तस्वीर तुसी अपने सामने वेख रहे हो विधानसभा विच एससी विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप घोटाले को लेके प्रदर्शन दिया ने, जिस विच प्रदर्शनकारियों वालों मंत्री धर्मसोत खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। विधानसभा के अंदर अज भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया, जिथे लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस वालों इस मुद्दे से जबरदस्त बयानबाजी की गई। अपना भविख का ला सकता यह क्लीन चिट का जिस दिन दोबारा चीफ सैकटरी जांच दी, मैं उस दिन कहता कि जांच नहीं एक क्लीन चिट लैण वास्ते सीबीआई की जांच डिसमिस करो ता जो भविख के अंदर किसा कोई अफसर से कोई पॉलिटिशियन मंत्री दलित वजीफा स्कीम का एक पैसा खाने की हिम्मत ना करे। एमएलए का नाम भी इस विचार है बलविंदर धालीवाल का। हाँ वो फगवाड़ा तो असी पूरी रिपोर्ट पढ़ी, असी चार दिन दुआबा हल्के इस गल लई रोस मार्च करके आए हैं। बलविंदर धालीवाल अस्तीफा देने तो बाद भी विड्रॉल करते रहे साइन मार मार के बैक गेटा के अंदर। सो असी डिमांड यही तो करते हैं भी धर्म सोध के नाल पॉलिटिशियन केड़े अफसर उन्होंने सारे चंगी करड़ी सजा। जब विधानसभा के अंदर आज इस मुद्दे पे चले असी अंदर बैठांगे, मुख्यमंत्री के बेंच अगे धरना ला के बैठांगे साधु नहीं है चोर है चोर है चोर है साधु नु बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो सीबीआई की जांच कराओ जांच कराओ जांच कराओ गली गली में चोर है साधु नहीं है चोर। गलत हैगा केंद्र सरकार की लॉन्च की हुई स्कीम के विच तुहाडे मंत्री मारन ठगियां करोड़ां रुपया जान खा ते तुसीं कहो असीं अपनी स्कीम लॉन्च करांगे। असीं मंग करदे हां कि जदों तो ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम स्टार्ट हुई है वाइट पेपर जारी करो, अकालियां दे किहड़े मंत्री किहड़े नेता ने ते कांग्रेस दे किहड़े मंत्री ते किहड़े नेता किहड़े अफसर उन्होंने सारे के विरुद्ध करड़ी सजा ते सीबीआई की जांच साडी डिमांड हैगी है। वैसे सर एक कॉलेजां दा भी जिक्र किया गया सीगा कृपा बोगस है गया यस उन्होंने के खिलाफ भी कोई तुसी करोगे क्योंकि पहली दलित जत्थेबंदी कह रहे कि असीं उन्हां दा भी कराओ करांगे। 8 करोड़ 53 लाख रुपया उन्हां तों लेना सीगा, उन्हां नूं 16 करोड़ रुपया होर दे दित्ता। वो बोगस यूनिवर्सिटियां ते कॉलेज जिन्हां दा कोई वजूद नहीं हैगा। सो ये सारी रिपोर्ट के उत्ते बनती कार्रवाई फर्दर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड है सीबीआई थारोली जांच करे दुध का दुध पानी का पानी करे। अज अकाली दल वालों भी किया गया अकाली दल शर्म नहीं आती जो बीसी है जो बीसी मैं यही कहना भी शर्म नहीं आती अकालिया किहड़े मूंह दे नाले तुरे फिरते। एक पास इन्हां दी भैण केंद्रीय मंत्री मंडल के ऑर्डिनेंस साइन करके आँदी कल बगले भगत बने फिरते। दस साल इस स्कीम का सत्यानाश सर्व सत्यानाश करते रहे ते अज इन्हां नूं धर्म सोच चेते आउंदा। अज इन्हां नूं दलित वजीफा स्कीम का घपला याद आ गया। उधर अकाली दल वालों भी विधानसभा के अंदर कैबिनेट मंत्री धर्मसोत खिलाफ वड्डा प्रदर्शन किया गया। तस्वीर तुसी वेख सकते हो कि किस तरह अकाली विधायक हत्थां विच धर्मसोत खिलाफ पोस्टर फड़ के उन्हां खिलाफ बयानबाजी कर रहे ने। रोड दा वजीफियां दा कपला दलित विद्यार्थियों के साडियां दे भरावां दे ते बैकवर्ड क्लास विद्यार्थियों के हक मारन वाला कदे क्लीन चिट कैप्टन साहब आप दे चीफ सैकटरी के सुरथरू 100 वारी दे देण, मगर बलविंदर सिंह धालीवाल जिहड़े उस मौके दे डायरैक्टर सन ते साधु सिंह धर्मसोत जिन्हां ने ठगी मारी है वह ये 64 करोड़ की ठगी तो कदे उन्हां नूं क्लीन चिट नहीं मिल सकती। दूजी गल नाल ही इस वजीर ने हुण 60 करोड़ का चूना रोपण च जिहड़ी जमीन की कीमत 90,000 है सर्कल रेट उन्हों 9,90,000 च खरीद के दूजी ठगी मारी है।
कैप्टन साहब जिन्या मर्जियां क्लीन चिट दे देन, मगर जिन्हें ने आप आप दी मतलब करवा के ऑडिटिंग हुई और ऑडिट च पहला कहिंदे जी 500 करोड़ का कपड़ा मदद करनी सी घटाता 300 करोड़ 200 करोड़ ते ले आए 200 करोड़ नू भी मुड़ के उन्हां कालजां नू फिर पैसे देते। ये तो स्पष्ट है कि किवें लैण देण होया और ऐसी विद्यार्थियों नू पैसे नहीं पहुंचे। सीबीआई इनक्वायरी इंडिपेंडेंट इनक्वायरी जां कोर्ट मॉनिटर्ड होवे जां सीबीआई होवे सच आजू सामने। ईवन ए चीफ सैकटरी साहब जिन्होंने क्लीन चिट दिती है जिन्होंने कृपा शंकर सरोज जी इनक्वायरी नू पासे रखता आपकी कमेटी बनाती एक जिन्हें वह पक्ष विचारे ही नहीं सारे और करप्शन के मुद्दे से बिल्कुल ही चुप कर गए वो सारा कुछ सामने आ जा। स्वाभाविक है रल मिल के हो रही है ये डीजीपी की इनवॉल्वमेंट चीफ सैकटरी की इनवॉल्वमेंट क्लीन चिट देने कैप्टन अमरिंदर सिंह का आशीर्वाद ये स्पष्ट हो गया। तदे तो बोर्ड जहा बनाया आ की दस आ रहा आही कुछ दस रहा कि मैं आ बीबी जी ने क्लीन चिट दिती है इन्होंने दोवों आशीर्वाद कैप्टन साहब का तो ध्यान च डीजीपी पंजाब है कि जब पुलिस साढ़े नाल है तो जिन्होंने मर्जी क्लीन चिट दे दिए मगर लोगों के दरबार बिल्कुल मुद्दा चुकया जाऊगा जी।